तो चलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर डिजिट। तो इस क्वेश्चन में पहले ये बोला गया है कि टू डिजिट नंबर है जिसमें से दोनों में से कोई एक डिजिट दूसरे डिजिट का तीन गुना है। और उसके बाद क्या बोला गया है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। अब इस क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हम उस ओरिजिनल नंबर के साथ इस इंटरचेंज नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमको 88 मिलता है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। इसमें अब हमें ओरिजिनल नंबर ढूंढना है। पहले हम गिवन लिख देते हैं, गिवन में हम सबसे पहले टेंस और वंस का टेबल बना लेंगे। तो मैं वंस डिजिट को अभी एक्स ले लेता हूं। अब क्वेश्चन में यह बोला गया है कि वो दोनों जो डिजिट्स है उनमें से एक डिजिट जो है वो दूसरे के तीन गुना है। अब एक को तो मैंने एक्स ले लिया है तो दूसरा जरूर 3x होगा। तो अब हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यहां पर आएगा 3x और यहां पर आ जाएगा x। अब हम नंबर्स ले लेते हैं, सबसे पहले क्या बने हैं। तो हमारा पहला नंबर क्या होगा, वो होगा 10 × 3x + x जो होगा 30x + x जो होगा 31x। अब हमारा दूसरा इंटरचेंज नंबर क्या होगा, वो होगा 10 × x = 10x + 3x जो होगा 13x। तो हमारा पहला नंबर निकल गया 31x और दूसरा निकल गया 13x। अब हमें ये बोला गया है कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हमको 88 मिलेगा, मतलब 31x + 13x = 88। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करने को बोला गया है। अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा, वो दोस्तों काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिख दूंगा और फिर इस इक्वेशन को लिख दूंगा, मतलब 31x + 13x = 88। अब इसमें पहले से ही वेरिएबल्स LHS में और कांस्टेंट RHS में है, तो मेरे को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे को वेरिएबल्स को ऐड करना है। अब 31x + 13x कितना होता है, वो होता है 44x = 88। अब यहाँ पर 44x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर वो डिवाइड करेगा 88 को, मतलब 88/44 जो होगा 2। 44 × 2 = 88, तो हमारी x की वैल्यू निकल गई 2। अब हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है 2, तो हमारा 3x कितना होगा, वो होगा 2 × 3 जो होगा 6। तो हमारा ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा
62। अब इसका उल्टा क्या होगा, वो होगा 26। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो वैल्यूज निकाली है वो सही है कि नहीं। तो अब हमें ये बोला गया है कि इन दोनों का सम हमें 88 देगा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 62 प्लस 26 88 होना चाहिए। तो 62 प्लस 26 कितना होता है, वो भी 88 होता है। 88 इज इक्वल टू 88, तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS निकल चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो सही है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक लोचा भी है, वो क्या है कि इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक दो डिजिट नंबर है जिसमें से कोई एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 गुना है। अब हमें ये नहीं बताया गया है कि वो डिजिट जो दूसरे डिजिट का 3 गुना है वो उस नंबर के वंस प्लेस में है या टेंस प्लेस में। इसका मतलब ये है कि मैंने जो ये लिखा है 3x और x, वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x और 3x। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे दोनों आंसर 62 और 26 ये दोनों ही आंसर सही हैं।